आप सोच रहे होंगे कि ये सेना के किसी समारोह या सेरेमनी का नजारा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये वीडियो शादी के एक अनोखे रिसेप्शन पार्टी का है, जिसमें दूल्हा शेरवानी या सूट के बजाय फौज की वर्दी पहने नजर आ रहा है। यह अनोखा मामला बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर का है। दरअसल अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, जिसे वो सालों साल याद रख सके। ऐसे में कैप्टन शिखर गगन ने अपनी शादी के रिसेप्शन में सेना की वर्दी पहनी। यह रिसेप्शन पार्टी कई मायनों में बेहद खास थी। यह रिसेप्शन पार्टी आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन के छोटे बेटे की थी। दुल्हा सेना में कैप्टन है और दुल्हन एयर इंडिया में पदाधिकारी, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए खास लोग भी पहुंचे थे। भारतीय सेना में तैनात कर्नल मनमोहन ने बताया कि यह रिवाज अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। अधिकारियों को तय राशि पर सेना का बैंड उपलब्ध कराया जाता है। इस खास जोड़े को आशीर्वाद देने भी खास लोग पहुंचे थे, जिनमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अलावा राजनीति के कई दिग्गज भी शामिल थे। कैप्टन शिखर गगन ने बताया कि देश के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, उसको पूरा करने में कहीं न कहीं समाज छूट जाता है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों ने समय निकालकर हमें आशीर्वाद और सहयोग दिया, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। आदमी देश के प्रति जवाबदेही है और समाज के प्रति, तो मैं देश का जवाबदेही पूरा कर रहा हूँ। इस चक्कर में समाज थोड़ा मेरा छूट जाता है, मैं लोगों से उतना घुल मिल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों ने ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए समय नहीं निकाल पाया हूँ। देख के बहुत अच्छा लगा, तो रिस्पेक्ट मिला है मुझे, मेरे प्रोफेशन को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लोगों ने दिया है, तो देख के बहुत अच्छा लगा।